इज़राइल, तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने ये जो काम किया है जिसमें 500 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई है, ये तुमको इस चीज का जो पछतावा होगा एक दिन जरूर होगा। तुम्हारी लड़ाई उन लोगों से थी, चाहे जिसने भी तुम्हारे ऊपर बम मारा, तुम अपने ताकत के गुरूर में जो तुमने किया है वो बात अलग है, लेकिन तुमको हॉस्पिटल पर बम मारने का हक हासिल नहीं था। तुमने इतने बच्चों की जानें ली हैं, तुम इस चीज के लिए शायद शर्मिंदा भी ना हो, तुम्हें बहुत ज्यादा प्राउड फील होगा कि मैं तो एक बहुत डेवलप कंट्री हूं, बहुत ही डेवलप नेशन हूं। लेकिन याद रखना कि अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती है। अल्लाह ताला तुम्हें नष्ट नाबूद कर देगा, तुम्हें पता नहीं चलेगा। तुम अपने आप को बहुत पावरफुल कंट्री समझ रहे हो, लेकिन जो तुमने कांड किया है, जो तुमने कारनामे किए हैं, जो हॉस्पिटल पर तुमने बॉम्ब मार के अपनी नीचता को साबित किया है, तुम कसम से बख्शे नहीं जाओगे। इतने बच्चों की मौत आपने वीडियो देखी होगी, इंस्टाग्राम खोल के, फेसबुक खोल के, यूट्यूब खोल के आपने देखा होगा, बेचारे कितने बच्चे खून से लथपथ, उनकी लाशें पड़ी हुई हैं, बच्चे बेचारे बिलख रहे हैं, किसी का हाथ गायब, किसी का पैर गायब, किसी के मुंह में चोट लगी है, किसी की माँ का बुरा हाल है। आप क्या सोच रहे हो इस जंग से क्या मिलेगा आपको? मैं ठीक है मानता हूँ सारी चीजें ठीक थी, आपने जो भी किया वो आपका नजरिया था, आप अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल साबित करने के चक्कर में, अना के चक्कर में आपने जो भी किया वो बात अलग थी। लेकिन आपको जो एक कहते हैं ना कि ठीक है आप किसी भी रिलीजन को मानने वाले क्यों ना हो, आप कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, इंसानियत नाम की एक चीज होती है। आपको हॉस्पिटल पर बम मारने का हक किसने दे दिया था, जहां पे इस जंग के अंदर लोग जो जख्मी थे वहां पे उनका इलाज हो रहा था। अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाने के चक्कर में, अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल समझने के चक्कर में आपने ये जो कांड किया है, कसम से बता रहा हूं अल्लाह ताला आपको माफ नहीं करेगा, अल्लाह ताला आपसे बदला जरूर लेगा। याद रखना तुम्हारी बर्बादी बहुत करीब है, इस चीज को याद रखना। तुमने जो कारनामे किए हैं, तुमने जो कांड किए हैं, कसम से इतना गुस्सा आ रहा है, मतलब मैं आपसे बस यही कहूंगा दोस्तों कि अल्लाह ताला से दुआएं कीजिए, अल्लाह ताला से इतनी दुआएं कीजिए, और जो हो सकता है हम उनके लिए करेंगे। फिलिस्तीनियों के लिए गाजा के अंदर जो भी हुआ है, अल्लाह की कसम मतलब इतना बुरा हुआ है कि इंसान देख देख के उसके रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। अल्लाह ताला सबकी मदद फरमाए, अल्लाह ताला जो भी मजलूम है अल्लाह ताला उनकी गैब से मदद फरमाए। आप जो कर सकते हो, जो भी मतलब फंड रेज हो रहे हैं उसमें आप अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे के ये भी आप मतलब अपना एक स्टेप रख सकते हैं कि मैं भी उनके साथ खड़ा था। जो भी सदका है, जकात है, आप जितना भी दे सकते हो यार, हर जगह फंडिंग चल रही है ताकि उन लोगों की मदद की जाए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेंगे, बेहतरीन करेंगे। और इज़राइल वालों याद रखना, इस चीज़ के लिए अल्लाह ताला तुम्हें बख्शेगा नहीं, तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तुम्हारा वो अंजाम होगा कि शायद वो तुमने सोचा नहीं होगा। इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, और उनके इनके लिए इतने दुआएं कीजिए कि मतलब अब मैं आपसे क्या कहूँ खुले अल्फाजों में। आप जानते हैं कि आपको क्या दुआएं करनी है उन लोगों के लिए और इन मनहूसों के लिए भी। इन्होंने जो कांड किया, इतना गुस्सा आ रहा है कसम से क्या बताऊं। मर गए हैं ये इंसानियत के नाम पे, इंसानियत है ही नहीं, नीच लोग हैं, गलीज हैं, खटिया हैं।